नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके टीके एकेडमी में। दोस्तों ये आ गया है 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर दोस्तों, तो इसमें से वही क्वेश्चन पूछे गए जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में आए थे। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड के बनाए हैं, तो उनको जो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से जीके जीएस और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर भिलाई व राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें से एक सीईओ का क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, मैंने सीईओ की पूरी लिस्ट ही बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आके उस सीईओ की लिस्ट जरूर देखिएगा। तो इस बार गूगल का सीईओ पूछे थे कि कौन है, तो सुंदर पिचाई ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें कि किसी तरल में हलचल होने के बाद वह अपनी विराम अवस्था में किस कारण आता है? तो ये संयानता के कारण आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है ये, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो कोलकाता दोस्तों ये आपको तो मैंने बहुत बार बता चुका है इसके पहले भी, ये हुगली नदी पर है, ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स, सर्प के अंदर कितनी पसलियाँ होती है? तो ये 220 पसलियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, नंदा देवी पार्क कहाँ है? तो नंदा देवी पार्क कहाँ है फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड में है। एक इतिहास से क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? कि तापमान को नियंत्रित करना है, ठीक है। और यूरिया की खोज किसने की फ्रेंड्स? बोल्हर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंस से फ्रेंड्स कि सोडियम परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि हरा प्रोटोजोआ क्या है? तो ये युग्लिना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एस्कारिक्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है, ठीक है। और एक ये सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा पूछा गया था, तो ये आपको पता है कि सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा घास है, ठीक है। घास या कि इसमें बांस होता है फ्रेंड्स, घास लिखा गया, बांस है, ठीक है, बांस। नेक्स्ट आया था फ्रेंड्स, सभी जैविक यौगिक में अनिवार्य तत्व, तो ये कार्बन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि तत्वों का मौलिक गुण होता है, तो तत्वों का मौलिक गुण विशेष ये परमाणु संख्या का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, सजदा व पबोस चलाया गया, तो बलवन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। एक ये अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? तो ये मॉरिशस में मनाया गया था, ठीक है। एक ही पीएम के बारे में पूछा गया था दोस्तों कि जॉर्डन के नए पीएम कौन है? तो अब्दुल रज्जाक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि महिला टेनिस मैड्रिड ओपन विन किसने जीता था? प्रिंटा क्विकटोवा ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आर्मेनिया के नए राष्ट्रपति क्या नाम था इनका? सकारियन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सवाना आजम को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट था कि डिलीट की मानद उपाधि किसे दी गई थी? तो प्रणब मुखर्जी को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट था फ्रेंड कि चंद्रयान 2 मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। और FCI की स्थापना हुई थी 1964 में। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो हमने ऐसे ही डाल दिया, FCI की स्थापना 1964 में, इसको आप देख लीजिएगा, इसे क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि मलेरिया का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ है, ठीक है। नेक्स्ट था कि LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी चर्चित है फ्रेंड्स कि LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट था कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है।
नेक्स्ट था कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय शल्यन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट था दूसरी पंचवर्षीय योजना वेस्ट किस पर आधारित थी, उद्योगों पर आधारित थी, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों इसमें था कि घर रसोई, और घर को अगर रसोई बोलते पौधा किसको, तो मतलब इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जड़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों इसमें से सबसे विषम शब्द क्या है, सारनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये, आप इसको अच्छे से प्यूज करिए वीडियो को, और इसको लिख करके आप इसको हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहने हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी आपस में क्या संबंध हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चाचा, लेकिन आप इस वीडियो को रोक करके इसको सवाल को हल करके इसका निकालिए आंसर कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली का हो मतलब होता है बुद्धिमान, तो सृजनात्मक मतलब क्या होगा, तो इसका सृजनात्मक मतलब होगा फ्रेंड्स इसका कलात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है, तीन लड़कों की परीक्षा ही नहीं दी, तीन लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया था, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, इसका सही आंसर था फ्रेंड्स 45, ठीक है। आप इसको क्रम से बैठाइए और इसका सही आंसर लाइए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट था फ्रेंड्स जी के क्वेश्चन की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन ये नोएडा में किया गया था फ्रेंड्स। ये कार, इसमें मैथ से कार और समय से पूछा गया था, मैथ्स के क्वेश्चन तो याद नहीं थे कौन सा बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोरंड रेखा किसके किसके मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आया था कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये सर्प के अंदर पसलियों की संख्या, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था कि इसमें 220 है, ठीक है। नेक्स्ट था चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर है, ठीक है। नेक्स्ट था फ्रेंड्स नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, और मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी, दिल्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कैप्सूल का आवरण किसका बना है, तो ये स्टार्च का बना होता है, जो कैप्सूल का आवरण होता है बाहर वाला वो स्टार्च का बना होता है। एक मैथ से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कोई वस्तु 450 में बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल क्या होगा, तो मतलब कितना होगा, 500 रुपये होगा इसका, तो आप इसको लगाइएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि शुद्ध सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट होता है। और सबसे बड़ी ये रक्त से क्वेश्चन आया था, सर्वदाता रुधिर वर्ग तो ओ होता है। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हड्डी से जोड़ने वाला तत्व तो क्या कहलाता है, लिगमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी डायनामाइट की खोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि फीफा 2017 में बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसे चुना गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, और आईपीएल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, और दोस्तों को शेयर करिए ताकि एग्जाम का लेवल उनको पता चले। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की, तो उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं कल 23 सितंबर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके डी के अकेडमी।